इंस्टामार्ट वालों को बढ़िया लग रहा है ना, थोड़ा सा अवेयरनेस का। स्टूडियो इतना सस्ता क्यों है? हम पॉइंट करके किसी को भी ऐसा नहीं बोले। सारे लोगों ने उल्टा पुल्टा बात बोला हमको। अंडा बात कहना हमको लो आ गया। सो लेजी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहा है लिटरली 1:30 और अभी हम बेड से उठ के वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं। उठ तो गए थे वैसे हम 10 ही बजे। उठने के साथ ब्रश वगैरह रखी है, काढ़ा बनाया, अभी भी मेरे मुंह में लौंग रखा हुआ है क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो काढ़ा पिए एंड अभी चाय चढ़ा दिए, बाकी 1:30 बजे चाय पीने वाले हैं, समझ रहे हो। सो सोचेगा लंच चढ़ाते, चावल चढ़ाए, उसके बाद मतलब चढ़ाएंगे, चावल धो के कुकर में रख दिए, फिर हम सोचेगा कि कुछ कुछ चीजें ले आते हैं, फिर जाने का मन ही नहीं किया क्योंकि इतना लेट उठे हैं। अभी कुछ कुछ चीजों का ऑर्डर करती है तो सारा कुछ आता है, लंच वगैरह करते हैं। आज पता है क्या प्लान था मेरा सैटरडे का? जितना भी मेरा वीडियोस पेंडिंग है ना, सारे को निपटाएंगे, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद हम सोचे थे पेंटिंग करने के लिए बैठेंगे, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन लो आ गया। 9 मिनट का टाइम मिला था, आ गया 1 मिनट। थैंक यू। साथ ही में हम अपने लिए एक आइसक्रीम मंगाए, मेरा मन किया था क्या वो एक नटी रोल हमको दिखा, ठीक है पहले चलो इसको खाते खाते हम लोग बात करते हैं। पता है जैसे ब्लिंकिट खोले ना, वो उनके पास पता है वो आइसक्रीम वाला बैग था, तो हमने ब्लिंकिट खोला ना, हमको आइसक्रीम मिल गया, ठीक है सबसे पहले मेरा बड़ा मन कर गया कि चलो आइसक्रीम खाए, भूल गए थे 1 मिनट के लिए खांसी। अभी जो हम ये रिसीव किया ना तो याद आता, अच्छा हमको तो खांसी है, मेरे मुंह में तो लौंग है। मन था वो नटी रोल खाने का, क्यों गिर रहा है भाई चॉकलेट इतना, मन था नट्टू रोल खाने का, बट हमको फिर ये मिला, देखो ना पूरा ये हो गया है। कोई ना, उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या ऑर्डर है, सारा कुछ वैसे रखे, आइसक्रीम लिए अंदर आया, ये रोटी बन गया पूरा, देखते हो पूरा एकदम ऐसे ऐसे समझ में आ रहा होगा क्या भाई। कितने दिन के बाद आइसक्रीम खा रहे, एक दिन बीच में खाए ना, अभी अभी खा रहे। अब घर में तो जितना बार नीचे उतरते थे, जितना बार ऊपर जाते थे, एक बार आइसक्रीम का हाथ में रहता था। अब देखो किस दिन छुट्टी होता है, कब जाते घर। हम आइसक्रीम कितने जल्दी जल्दी में खा लिए क्योंकि पिघला पिघला आइसक्रीम है ना, सर्दी बढ़ रहा है हमको, पता है लिटरली याद नहीं था कि हमको खांसी सर्दी और हम आइसक्रीम ऑर्डर किए। मैं बोला कि घर पे तो फ्रीजर होता था तो हमेशा एकदम ये सब भी देखते हो पूरा ये बन गया है इस टाइप का आइसक्रीम, मतलब इतना ज्यादा गला हुआ आइसक्रीम बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं। तो गाइस इट्स टाइम टू अनबॉक्स द पार्सल। हम पता है आज सोचे थे क्या बाल बोलते हैं, ये कपड़ा वगैरह भी हमको धोने का, तो सोचे थे वो भी धोएंगे, बट मेरा जो लेजी पना है ना उसका कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो यहाँ मंगाए हैं अंडा, आधा केजी टमाटर का पका पका दे दिया भाई। इंस्टामार्ट वालों को कोई समझाओ कि अगर कोई ऑर्डर करता है तो बहुत ज्यादा पका हुआ टमाटर नहीं चाहिए होता है, मेरे जैसे अगर बच्चे ऑर्डर करते हैं तो उनको समझाओ। बाकी ये हम किए थे सोया पनीर ऐसा करके कुछ था, परवल घर पे तो ऐसे परवल नहीं खाते थे, सोचे कि परवल का भुजिया बनाने के साथ ही मंगाई है अमूल का ताजा दूध, बहुत दिन के बाद दूध मंगाया पता है। और इसके साथ ही में है 1 केजी आलू भाई, उनको कोई समझाओ कि आलू और प्याज और टमाटर जो बच्चे ऑर्डर करते हैं, टमाटर उनको कच्चा देना है और ये सब थोड़ा छोटा छोटा साइज में देना है क्योंकि हम लोगों के पास फ्रिज नहीं होता। एंड साथ ही में हम किए हैं टोफू ऑर्डर, चावल भी मतलब हो चुका है, एक सिटी हो गया है, दूसरा सिटी का इंतजार है। तो अभी मेरा क्या प्लान है बनाने का, ऑमलेट वाला ग्रेवी उसके साथ चावल खाएंगे, तो चलिए फटाफट से सब कुछ कट करते हैं। चलो गाइस हम लोग साथ में अभी लंच बनाते हैं अपना, जिसमें हम बनाने वाले हैं ऑमलेट ग्रेवी। सबसे पहले क्या किए ना, हाफ प्याज को उसमें कट कर दिए, उसमें नमक ऐड किए, जीरा पाउडर ऐड कर दिए हैं और साथ ही में मिर्ची ऐड कर दिए, जिसके आगे का प्रोसेस आप लोग साथ करेंगे। और इधर में है अंडा, इसको किसी तक हम निकाले नहीं, अब जितना भी मेरा किचन का कचरा हो रहा है सबको एक जगह जमा कर रहा है, कटोरी में एक साथ ही डाल देंगे डस्टबिन में। सो हियर आई टेक 3 अंडा, स्वाद के हिसाब से नमक आप लोग ऐड कर दीजिए। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि ऑमलेट बनाए और इस तरह से पलटाने में चूर हो जाए, बताइए आज चूर नहीं करना था तो ये चूर हो गया, पूरा एक उल्टा करना था, बट अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। इधर उसके ग्रेवी का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि प्याज लिए, शिमला मिर्च, टमाटर और साथ ही में अदरक कट किए, मिर्ची कट किए और लहसुन इधर कट कर रहे हैं। पागल चूल्हा यार, आंच बढ़ाते हैं तो तेज हो जाता है, कम करते हैं इतना कम हो जाता है, बॉयल तक नहीं आता है। फिर अभी हो गया मतलब मसाला फ्राई हो गया था, उसके बाद पानी इसमें ऐड कर दिए, बॉयल आएगा ना उसके बाद ऑमलेट डाल के बंद कर देंगे, आंच मीडियम करके इसको ढक देते हैं, अपने बॉयल आ जाएगा। अभी ग्रेवी में बॉयल आ गया, अब इस ऑमलेट को ना थोड़ा सा और टुकड़ा टुकड़ा में कर दिया, पता नहीं कैसे। ऑमलेट ऐड करने के बाद ना एकदम आंच कम करके ना हल्का सा इसमें बॉयल आने दिए थे और बस बन गया लंच हमारा। अभी पता है बजने वाला है 7 और सुबह से उसके बाद कुछ भी व्लॉग्स नहीं बनाए, अभी हम बनाने लग गए, मतलब अपने लिए बनाए हैं यहाँ केसर वाला दूध, हल्दी वाला दूध, केसर ऊपर से ऐसे स्ट्राइक के लिए डाल दिए, थोड़ा सा तबियत खराब हो गया यार, खांसी हो गया बहुत ज्यादा। गाइस फाइनली अपने शरीर को चलाए और रूम से बाहर निकले, अभी हम जा रहे हैं कुकर का ढक्कन ठीक करवाने के लिए, आलू पता है सीजने के लिए दिए, ठीक है सोचेगा कि हो जाएगा, वो लिटिल बिट हल्का सा कच्चा रह गया, तो अभी हम आज सोचेगा कि अभी ठीक करवा लेते हैं, वापस से आके ना कुकर का मतलब ये सीटी भी चेक हो जाएगा कि ये ठीक हुआ, और उसके बाद वापस चलते घर, फिर आप लोगों से एक बात कहना है।
मतलब अपने ब्लॉग्स में हम कुछ कहते हैं उसमें बहुत सारे लोग ने आके नुक्स निकाला, बहुत सारे लोगों ने उल्टा पुल्टा बात बोला हमको, बट इस चीज के बारे में हमको क्लियर करना है आप लोगों से। ये कुकर का प्रेशर नहीं आता इसमें, इसका नहीं, ये सब चीज चेंज होने वाले, वॉशर वगैरह खराब हो गया। कुकर का ढक्कन तो ठीक हो गया, अब चलिए लगा के देखते हैं इसका प्रेशर बनता है कि नहीं। बाकी साथ ही में कुछ कुछ चीजें ले लिए, सुबह में भी लिए थे और अभी हम केला ले लिए ताकि सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाए मेरा। तो गाइस शॉपिंग वगैरह हो गया, अभी रिटर्न बैग जा रहे हैं घर। और क्या कहते हैं ना, सुबह से कुछ भी ब्लॉग्स नहीं बनाए, उसके बाद इतना सोए कि आप लोगों को क्या ही बताया। आज पूरे छुट्टी मनाए हम, आज सैटरडे का छुट्टी, अब कल देखो संडे, आज का जो भी काम नहीं हो पाया अब उसको कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम जो बोले ना उस टाइम आप लोगों को कि हमको आप लोगों से एक बात कहना, एक्चुअली में बात ये कहना था कि परसों वाले ब्लॉग में हम वो जो प्रोटेस्ट को लेके और गर्ल्स सेफ्टी के को लेके हम बोल रहे थे, तो कुछ लोगों का बहुत उल्टा पुल्टा कमेंट आया मेरे पास। लेकिन अगर आप लोग उस वीडियो को जाके अच्छे से देखोगे तो आप लोग अच्छे से सुनोगे कि हम कभी भी किसी को पॉइंट करके ऐसा नहीं बोले कि इसका गलती था, वो डॉक्टर थी तो उनका गलती था, उनको अपना टाइम टेबल देख के जाना चाहिए। हम ऐसे पर्सनली बोले, एज ए लड़की, एज ए होता है ना कि आप गर्ल हो, आपका सेफ्टी आपके हाथ में। हम देखो दो बात को वहां पे ऐड कर दिए थे, यहां पे थोड़ा सा ना हम कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए थे कि दो बात को हम एक साथ बोले थे, एक तो लड़कियों का सेफ्टी के बारे में, जैसे हम लोगों का सेफ्टी हमारे हाथ में, ये चीज बोल दिए थे, और साथ ही में प्रोटेस्ट को ऐड कर दिए थे। तो मे भी आप लोग कंफ्यूज हो गए और ऐसे इस तरह से हमको आके बोल दिए, लेकिन हम पॉइंट करके किसी को भी ऐसा नहीं बोले। हम एज ए लड़की अपने बारे में बताए कि हम मेरा सेफ्टी मेरे हाथ में है, या अगर आप लड़की हो तो आपका सेफ्टी आपके हाथ में, आप अच्छे से रहते हो, आप अच्छे से कोई भी काम करते हो, तो देखो आपका केयर आपको खुद करना पड़ेगा, आपका केयर कोई और करने नहीं आएगा। रहा बात किसी भी इंसिडेंट का, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। थोड़ा सा अच्छे से ब्लॉग्स को देखा करो, थोड़ा अच्छे से सुना करो, प्लीज आके बेमतलब का ज्ञान मत दिया करो। इस चीज को सुन के सुबह से मेरा ना लाइक होता है ना, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान कि मतलब हम ऐसा क्या बोल दिए कि आप लोग हमको आके इस तरह से बोल रहे हो, क्या कि डॉक्टर का क्या गलती था, डॉक्टर तो अपने ड्यूटी पे गए थे। भाई हम उनको क्यों बोलेंगे, ऐसी लड़की हम किसी और लड़की को क्या हम ऐसे चाहेंगे क्या कि किसी और लड़की के साथ हो गया, अच्छा हुआ, मतलब कुछ भी लोग कहने आ जाते हैं। इसी यही सब रीज़न है, पता है, हम कभी बिना किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर कभी कुछ बोलना नहीं चाहते। अगर बोलेंगे ना, जरा सा भी कुछ नहीं बोलो ना, तो तुरंत लोग गलती निकालने के लिए आ जाते हैं। तो बस हम देखो एज ए लड़की बोले थे, हम एज ए अपना बात बोले थे, आपके लिए बोले थे कि आपका सेफ्टी आपके हाथ में, आप अच्छे से रहो, सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर देखो अगर फिर भी यहाँ पे कोई कुछ दूसरे पॉइंट पे आके बात करने आता है तो हमको उस बारे में कोई बात नहीं करना। चलिए अभी घर पे चलते हैं और खाना पीना बनाते हैं। आलू सिजा के आए थे, आलू का पराठा बनाने का सोचे एंड बस सिंपल सा आलू का पराठा बना लेंगे। घर पे इतना सुंदर लाइट और बाहर में वीडियो बना के आ रहे हैं। खैर कुकर को वापस से चढ़ा दिए, लेट्स सी कि 50% जो लगा है कुकर का, ढक्कन को ठीक करवाने में, प्रेशर को ठीक करवाने में, क्या बोलते उसको जो भी बोलते हैं, क्या तो भैया बोले थे कि वो है, तो हमने जो भी आप उसको ठीक करवा दिया। किचन का देखते हो खिड़की को कितना गंदा करके रखे, 50% से काम चलेगा, यहाँ को 2500 लगाना पड़ेगा। लेट्स सी आलू को वापस से चढ़ाए और सीटी होने लगा, हम क्या करें हमको नहीं पता। आज पता है सुबह से प्लान करके रखे थे कि कुकर को आज हम किसी तरह ठीक करवाएंगे, देखते हो चावल कैसा बनाया, कच्चा मूड खराब हो गया था यार दोपहर का खाना खा के। पता नहीं गाइस हमको डाउट ही लग रहा है अभी तक, देखते हो हाँ हुआ, लेकिन हुआ क्या, अपने से करना पड़ा। कुछ ड्राई फ्रूट्स था जिसमें ना थोड़ा थोड़ा नमी आ गया था, सोचे उसको हल्का सा घी में रोस्ट कर देते हैं ताकि कॉलेज जाना जब, तो एक छोटा सा मेरे पास टिफिन है उसमें लेके चले जाए, एटलीस्ट ये यूज में आ जाएगा, नहीं तो ना धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। यहाँ रहा मेरा आलू का पराठा जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया बन रहा है, देखते हो कुछ इधर बना लिए हैं, कुछ यहाँ है, थोड़ा सा ना आलू बचने वाला है, ठीक है, हम क्या सोचे ना इसका ना समोसा बना लेंगे सुबह में, देखते हैं सुबह क्या करना है, फिलहाल पहले मेरा आलू का पराठा तो बन जाए। हाथ में मेरा ऐसा आटा लगा हुआ है ना, हम सोच रहे हैं इसको 30 पे करें बट हो नहीं पाया, और बाकी का जो भी बचा हुआ है उसमें कुछ इस तरह से पहले लोई बना के, वैसे पता है इसका रेसिपी शूट कर रहे थे अपने मिनी ब्लॉग में, तो आप लोग मेरा मिनी ब्लॉग भी देखोगे तो दिख जाएगा। कैमरा थोड़ा गंदा है गाइस, मैनेज कर लीजिए, कैमरा साफ ही नहीं होगा, हाथ मेरा गंदा है। ये रहा मेरा आज का डिनर, और दोस्तों से बात करने के चक्कर में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरा पराठा हो गया ठंडा, चलो कोई बात नहीं, अभी खा के बताते हैं कैसा बना है। आज 31 तारीख था, खाना पीना खाने के बाद हम बैठ गए थे हिसाब करने के लिए, दूसरे अकाउंट से अभी हम ट्रांसफर कर देंगे 950 रुपए, तो मतलब एकदम बराबर हो जाएगा, इक्वल इक्वल, एंड यहाँ से 1 सितंबर का हिसाब स्टार्ट होगा। आज है संडे और आप लोगों को याद होगा, याद क्या होगा, उसी ब्लॉग में मे भी हम इसको अटैच करेंगे कि कल रात हम बनाए थे आलू का पराठा, देखो ना कैसे धूप जा रहा है, बारिश आ रहा है, बारिश जा रहा है, धूप आ रहा है, यही हो रहा है, तो हम कल रात बनाए थे आलू का पराठा और आलू बच गया था, तो मेरा प्लान था ना कि अगले दिन हम समोसा बना लेंगे, ठीक है, और हम रहे महान, आलू को बिना मतलब स्मेल किए, आलू को बिना देखे मैदा वैदा सान के रेडी हो गए, ठीक है, और जैसे मैदा सानते हैं और आलू को सोचे कि चलो फिल कर लेते हैं, तो पता चलता है आलू हो गया है खराब, क्योंकि कल रात का बना था और आलू को हाथ से मैश किए थे ना, तो वो पूरा खराब हो गया।
उसके बाद अब हम मैदा सान लिए थे, पूरा आटा वाटा बना लिए थे, तो फिर बोले कि अब आटा मेरा बर्बाद हो जाएगा। उसको बचाने के लिए फिर से हम दो आलू को चढ़ाए, एक बार में हुआ नहीं, फिर दोबारा कुकर में दिए, तब दोबारा से जाके आलू वालू बनाए और सिंपल सिंपल सा आलू बनाए, और अभी हम फाइनली बना रहे हैं समोसा। मतलब यहाँ देखो एक चीज, एक थोड़ा सा अवेयरनेस का मिस हो गया, हल्का सा अगर हम देख लिए होते कि आलू सही है या गड़बड़, तो क्या कहते हैं उस हिसाब से अपना काम करते हैं। तो एक तरह से ये बढ़िया भी है कि आज के ब्रेकफास्ट में हम समोसा खाएंगे गर्मा गर्म। ब्रेकफास्ट क्या यार, 12 बज रहा है पता है, सुबह से बस उठ के साफ सफाई के, देखो झाड़ू पोछा हो गया है पूरा, और अभी कुछ कुछ काम कर ही रहे हैं, तो चलिए ये सारा काम कंप्लीट करते हैं, हम आप लोगों को अपना समोसा दिखाते हैं जो कि बहुत मस्त बन रहा है। चार समोसा मेरा अच्छे से फ्राई हो रहा है आज, आई थिंक और थोड़ा तेज करना पड़ेगा इस बार, क्या कहना, चूल्हा को थोड़ा इस साइड में कर दिए। चलो समोसा खाने का तो प्लान था अगला दिन, लेकिन ऐसा समोसा खाएंगे ये नहीं सोचे थे यार। यहाँ से वापस घर ना बावर्ची बन के जाएंगे, देखते हो कपड़ा मेरा, यार देखते हो सुबह के टाइम में पूरा खिड़की वगैरह खोल के रखती है, मतलब इस साइड का खोले, ज्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि खिड़की ना खोल के नहीं रख सकते हैं। आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पर का जो वो है, मतलब शीशा जो है वो वाला है, ट्रांसपेरेंट वाला है, पूरा इधर से उधर दिखेगा, लाइट हो या धूप हो या अंधेरा हो, हर चीज तो हर टाइम ना पर्दा लगा के रखना पड़ता है, इसलिए सबको लगा के रखते हैं, किसी का पर्दा नहीं खोला देखोगे। गाइस थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल हो गया, देखो तो पूरा कढ़ैया को ये नीचे कर लिए, इतना बढ़िया बढ़िया समोसा बनके तैयार है। साथ ही में मेरे पास है इमली का चटनी, इसमें भी समोसा बना हुआ है, वाओ। वीकेंड में क्या है, बस बनाओ और खाओ यही कर रहे हैं कल से, देख रहे हो ना। नमक भी एकदम परफेक्ट है, वाओ। अभी पता चला जूडियो में जो अगस्त में सेल लगा था 15 अगस्त वाला, वो क्यों लगा था और जूडियो इतना सस्ता क्यों है, मेरे चप्पल लिटरली टूट गया, बताइए कितना दिन हुआ हम इसको वैसा भी नहीं है कि पूरा एकदम वैसे करके पहने। सोचेगा थोड़ा सा निकलते हैं ऐसे अगल बगल, मन तो था आज एस्प्लानेट साइड जाने का, मार्केटिंग वगैरह करने का, लेकिन खाना बनते बनते मेरा 3 बजा, और उसके बाद फिर हम सोचेगा कि वीडियोस वगैरह बहुत सारा एडिट करने का वही कर लेते, मार्केट वार्केट का काम बाद में करेंगे, और ऐसे भी अभी उस साइड भी खोल नहीं जाएगा, बहुत दूर है क्योंकि मेरे रूम से, तो हम सोचे कि चलो बगल में ऐसे ही निकलते हैं, हमें चप्पल टूट गया, बताइए अभी घसका घसका के जा रहे हैं। आगे में एक ग्रोसरी का दुकान है, वहाँ आई थिंक फेविक्विक मिल जाएगा, क्योंकि अब रूम जाने जाएंगे ना तो बहुत फिर उल्टा चलना पड़ेगा। क्या बोले यार, यू खड़ गया, पता ही नहीं चला कैसे हुआ, अचानक से ना मेरे पैर में लूज लगने लगा, आपको लगा पता नहीं कहा ऐसा हो रहा है। चलो देखते हैं 5 रुपए का फेविक्विक कब तक काम करता है। गाइस मेरे सोसाइटी में देखिए लगा हुआ है यहाँ पे एग्जीबिशन, दुर्गा पूजा, प्री दुर्गा पूजा एग्जीबिशन, बस उसी में आ गए थोड़ा, देखिए क्या क्या। गाइस एक बहुत ही प्यारा सा चीज पसंद आया, अच्छा लग रहा है ना कलर, हम ये ले रहे, सुंदर लगा, और भी था मतलब हमको ये वाला ज्यादा प्यारा लगा, कैमरे में बढ़िया लग रहा है ना, और ना यहाँ पे अपना कुछ कॉटन कुर्ती देख रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, पर इसमें मेरा साइज ही नहीं था, क्यूट क्यूट था। काफ़ी प्यारा एग्जीबिशन में आ गया, और वो जो इयरिंग था ना हैंडमेड, बड़ा मन करता लेने का, फिलहाल तो अभी स्टॉल नहीं है, और अभी जिस काम से आए थे उनको एक्चुअली मेरा लेने का था पेपर, होता है ना वो A4 साइज का पेपर, उसका सोच रहे पूरा सेट ही लेने के, नोट्स बनाने का काम लेने का, और कॉपी वगैरह लेना था इसलिए भी, और बाहर लेने के। चलो देखते देखते इस एग्जीबिशन में खिलौने, ये क्या बोलते हैं इसको, चूल्हा वगैरह सब उधर, खाने पीने का भी चीज़ लेना। स्टेशनरी शॉपिंग चल रहा है, जिसमें कि ये लिए हैं और फाइल लिए, एक स्टिकी नोट। गाइस बर्गर का साइज देखो कितना क्यूट लग रहा है यार, गाइस अभी बारी आता है क्यूट से चिकन बर्गर को ट्राई करने का, कितना क्यूट है देखिए ना, कितना छोटू सा प्यारा सा है। स्टेशनरी का शॉपिंग हो गया, पता है क्या हुआ, सुबह सुबह मतलब मेरे लैंडलॉर्ड कॉल करके, मतलब ऐसे उनसे ना बात नहीं होता, जब से यहाँ रहना स्टार्ट किया ना तब से बात भी नहीं होता, तो बात भी हुआ, और फिर ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड है तो पैसा के लिए बोलेंगे, क्योंकि अभी 1 तारीख चल रहा है, तो बोले कि अच्छा पेमेंट आप कब तक कर दीजिएगा, हम बोले सर आज शाम तक नहीं तो कल मॉर्निंग तक कर देंगे, तो फिर वही हम बोले कि अभी हम अपने रेंटर को कॉल किए थे, वो जो हावड़ा वाला घर है, हम उनको इसी तरह बोले, तो मतलब कितना वो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हो ना, हमसे कोई पैसा मांगे फिर हम किसी से मांगे, मतलब पैसा का क्या रोल है यहाँ पे, देखो कि एक मतलब पैसा किसी के हाथ में नहीं रहता, कोई भी पैसा जो अभी मेरे हाथ में आएगा वो मेरे पास नहीं रहेगा, वो सामने वाले के पास चल जाएगा, मे भी उनके पास से भी कहीं और चला जाएगा, तो बस यही पैसे पैसे का खेल कह रहे थे। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत हम कुछ खाए पिए, खाए ना मिनी बर्गर, कितना क्यूट सा था ना, तो सोचे कि थोड़ा देर बैठते हैं फिर चलेंगे यहाँ से घर। भाई यहाँ पे चाय कितना महंगा है जानते हो, अभी मेरा बगल में चाय का स्टॉल है 2-3 को, तो सोचेगा चलो आए निकले तो चाय पी, ऐसे खाने का कुछ प्लान नहीं था, सोचे चाय पीते हैं आराम से चलेंगे, बोले क्या चाय कैसे दिया जाता है, 50 टका और 20 टका, उन्होंने फिर बोले कि अच्छा आते इधर का कोई काम कर, उनको कैसे बोलते, तो फिर उधर से इधर आए, अब चाय वाय पीने जा रहे हैं, अब हम 20 टका का चाय पीएंगे, 10 टका और लगा के दूध का पैकेट ना ले ले, ताकि कल म्यूसली भी खा ले, तो हम सोचे कि वो अमूल स्प्रे का जो पाउडर है ना मेरे पास, उसी से कुछ बना लेंगे।
संडे का जो कंपलसरी होता है स्किन केयर करना, वो हम सुबह करना भूल गए थे, तो अभी कर लिए स्क्रब वगैरह कर लिए। लास्ट में यहाँ पे मास्क लगा दिए, हल्का सा ये नाक के पास ड्राई हो गया, पूरा ड्राई हो जाता है।